देश प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति होने से व्यापारियों सहित मजदूर के हालात खस्ता हैं। ऐसे में अब प्रकृति की मार से किसान की अछूता नहीं रहा है, उसकी हालत बस से बदतर होती जा रही है। हम आपको बता दें कि खरगोन जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर प्रदेश सरकार ने मिर्च महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करके किसानों को मिर्च की फसल के लिए प्रोत्साहित किया था, लिहाजा किसानों ने मिर्च फसल बुआई करके प्रदेश सरकार के सपने को मूर्त रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम आपको बता दें कि मिर्च महोत्सव के बाद जिले में मिर्च की फसल का रकबा बढ़ा और अब मौसम की मार से फसल का वायरस आने से फसलें बर्बादी की कगार पर जा पहुंची है। इस दौरान किसानों ने मीडिया चर्चा में बताया कि सरकार के दावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए फसल बुआई जो बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर मुँह चढ़ा रही है। बहरहाल मिर्ची का रकबा बढ़ने और फसल खराब होने से किसानों की माली हालत खस्ता हो चली है। ऐसे में कसरौद विधायक सचिन यादव, जो पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, किसानों के लिए शासन स्तर पर मुआवजे की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 1 लाख लगाया था और उसमें 4-5 लाख फसल आती थी, वो कहीं भी नहीं आई, सब बर्बाद हो गया। सरकार से कोई भी मुआवजा नहीं मिले हमको। क्या चाहते हैं बाप? अब हमको कहीं भी मुआवजा देना चाहिए सरकार। स्थिति हमारी सब खराब है, कहीं नहीं खाने का दाना नहीं है, सब बर्बाद हो गया। मतलब ये फसल पे आप रहते हो? फसल पर रहता हूँ हम। क्या नाम है तुम्हारा? नकला। कहाँ रहते हो? ये परे पंचायत में। हमारी फसल नष्ट हो गई और 4-5 लाख की आती थी, वो अभी आ नहीं रही। शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं दे पा रहा अभी तक। इसकी शिकायत करी है आपने कहीं? नहीं किया। मतलब कितना नुकसान हो गया होगा आपका? वो 40-50 हज़ार के नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बताया, हमारा जो किसान साथी है जो पहले से ही लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है, उसको एक बार फिर कमज़ोर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो दूध उत्पादक किसान साथी हैं उनका लगभग 4 रुपये तक जो है प्रति लीटर उनका भाव कम करने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे दूध उत्पादक के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।